आज हमारा 17वां दिन है धरने का। हमारे संघर्ष को, जमीनी संघर्ष को पूरी तरह से हम लोग बनाए हुए हैं, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, हम जब तक यहाँ अपनी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दूसरी बात, मैं सबसे ज़्यादा आप इस नगरी मीडिया चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पहले दिन से ही हमें भरपूर सहयोग दिया है। ये हर दिन इनकी एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह, आज अगर मुझे इनका इतना अच्छा सपोर्ट मीडिया वालों का मिल रहा है, हमें नगरी न्यूज़ चैनल का मिल रहा है, कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन ये लोग हमें कवर करने नहीं आते, हमारी बात को मीडिया में नहीं उठाते, जबकि हम लोगों ने कभी भी आज तक पर्सनली मतलब ऐसा कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं केवल, और आप लोग आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मानता हूँ। आज लोकतंत्र में सच में अगर मीडिया एक चौथा स्तंभ है, और उसकी बहुत बहुत अच्छी एक भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। मैं नगरी मीडिया को सलाम करता हूँ। मैं डेली ढाई घंटे सुबह, ढाई घंटे शाम को तो सफ़र करके आते हैं डेली। हम वहाँ घर यहाँ से जाके वही घर का घर खाना वाना बनाते हैं, सुबह आते हैं फिर, और घर में भी सब डेली वहाँ से आते हैं, तो सब पूछते हैं रोज़ रोज़ कहाँ जाती है। तो ससुराल में से निकलना यूँ ही नहीं होता एक महिला का, लेकिन फिर भी हम डेली यहाँ आ रहे हैं। अब सरकार को अब तक हमारी ये नहीं है कि हम 17 दिन से यहाँ बैठे हैं, उसके बावजूद वो हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। हम पहले भी कांग्रेस सरकार से खूब उम्मीदें लगा चुके, तो जब उसके बाद भी हम पहले भी आचार संहिता के भंवर में फंस चुके हैं, अब फिर वही अब आचार संहिता हम चाहते हैं कि हम मतलब आचार संहिता से पहले हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। राम राज्य की सरकार से हम यही उम्मीद है कि वो हमें ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दे दे। 17 दिन से धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर बैठे हुए अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के बी एडिशनल के अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 6 माह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से। जब पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस समय उन्होंने 2016-2018 में बी एडिशनल वालों को नियुक्ति प्रदान की थी, और उसके पश्चात 2021 में जब 2016 का संशोधित परिणाम आया था, उनको भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अधीन नियुक्ति प्रदान की गई थी। तो हमारी भी सरकार से वही मांग है, जो पहले कोर्ट में सम्मान स्थिति थी उस समय, जो आज भी वही स्थिति है, तो हमें भी उन्हीं की तरह नियुक्ति प्रदान की जाए। रही बात सर पिछली सरकार की, तो पिछली सरकार ने हमारे साथ में धोखा किया था, आश्वासन दिए थे, जिसकी वजह से हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो हम बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी आई है सत्ता में, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप समय रहते हुए दूसरी जो लोकसभा की अभी आचार संहिता और लग रही है, उससे पहले पहले हमें विद्यालयों में पहुंचाएं, ताकि विद्यालयों में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो और हमारा भविष्य भी उज्ज्वल हो सके। बाड़मेर से आया हूँ मैं। 2022 लेवल 2 में एग्ज़ाम पास किया, फाइनल मेरिट से पार हूँ। ऑल राजस्थान में 43वीं रैंक है, फिर भी मैं धरने पर बैठने मजबूर हूँ। इस गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि राम राज्य की सरकार हमें मेरिट धारियों को, जो उस स्तरीय अंक धारण करने के बावजूद धरने पर बैठने मजबूर हो रहे हैं, और आचार संहिता क्या न होते भी हम बैठ कर यहाँ रो रहे हैं इस सरकार को देख के, क्या कर सकते। आगे जो सरकार से यही आशा चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जल्द जल्द से और स्कूलों में पहुँचे, ताकि बच्चों का भविष्य संवारे। सर अब मैं आज 17 दिन हो गए, आर्थिक सामाजिक मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, और यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट धरना स्थल भरा नहीं रहे, और धरना स्थल ये धरने की जगह नहीं, या तो शहीद स्मारक है, या तो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, न कि शिक्षक युवा लोग यहाँ आके बैठे। शिक्षक का सम्मान स्कूल में होता है, न कि धरने के स्थल पर होता है, और ताकि देश का भविष्य सुधार सके। सबसे मान देश का सबसे आदि पुरुष होता है शिक्षक, जो यहाँ धरने पर बैठेगा तो पढ़ेगा कौन स्कूल में। सर पिछले 17 दिनों से हम यहाँ बैठे हैं। मेरी भजनलाल सरकार से यही गुहार है कि सर जब युवाओं ने कांग्रेस को बदल दिया, तो ऐसा नहीं है कि सर ये डबल इंजन की सरकार है ना, ये सिंगल इंजन की रह जाए, क्योंकि जो स्थिति जयपुर में बनी हुई है ना धरना स्थलों पर, उसको देख के तो यही लगता है कि सर आप चाहते नहीं कि मोदी जी दोबारा आए। और सर ये अगर जो मोदी जी जयपुर से हार गए ना सर, तो सबसे बड़ा ये जो संदेश है ना सर, ये भजनलाल सरकार के लिए ही है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना सर, आप नहीं चाहते कि केंद्र में वापस बीजेपी आए। सर युवाओं ने अगर जो आपको समर्थन नहीं दिया ना सर, तो ये जो बीजेपी है ना, ये राजस्थान में सिमट कर रह जाएगी। इसलिए आपसे मेरा पुनः आग्रह कि सर जो बेरोजगार बैठे हैं ना यहाँ पे, इनको सर जल्दी से जल्दी नियुक्ति दीजिए, खासकर हम बेडीसलदारियों को। काफ़ी दिन से हो गए सर, परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा। हमारे पास बहनें बैठी है, ये कैसे अपनी गृहस्थी को छोड़ के धरना भी मैनेज कर रही है, ये बच्चों को मैनेज कर रही है, हर जगह कितनी जगह इनको टुकड़ों में जीना पड़ रहा है। सर भजनलाल सरकार से यही मेरी दरख्वास्त है कि सर जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दीजिए, अधिकारियों को आप आदेश दीजिए कि कम से कम हमारा जल्दी से काम कर दे। सर एक आचार संहिता हम झेल चुके हैं, एक गवर्नमेंट को हमने चेंज कर दिया है, इस बार आचार संहिता लगी ना तो सर हो सकता है सेंटर में एक और गवर्नमेंट चेंज हो जाए।
ये सर बीजेपी सरकार के लिए खुली चेतावनी है सर, जल्दी जल्दी हमें नियुक्ति दीजिए ताकि हम भी आपके समर्थन में आए। सर 17 दिन हो गए, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ हमको घर जैसा लगने लग गया। अब सरकार से उम्मीदें तो कितनी रखे सर, 17 दिन बहुत होते हैं, 15 दिन बाद तो पूर्णिमा और वो क्या बोलते हैं हाफ मून और फुल मून दोनों हो जाते हैं। सर मैं इंग्लिश का हूँ, इंग्लिश से हूँ इसलिए मैं हिंदी ज़्यादा नहीं जानता। सर जब चांद ही आधा हो जाता है लेकिन हमारे नेताओं को अभी भी शुद्ध नहीं है। और कुछ नहीं सर, हमसे आगे हालचाल तक नहीं पूछे कि कोई जी रहे हो कि मर गए। कितनी बार यहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं बच्चे, लेकिन नहीं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी सर रात को भी यहीं रुकते हैं। सर रात को पहले तो ठंड लगती थी, अब जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है या मच्छर काटने स्टार्ट हो गए, हमको डर ये लगा रहता है किसी के मलेरिया ना हो जाए। क्या करें सर, नौकरी का सवाल है सर। अगर ये एक ज्वाइनिंग लेटर ये लोग हमें दे दें जो हमारे हक्का है, हम हक्का मांग रहे हैं, वो मिल जाए हमें तो सर हम यहाँ क्यों बैठेंगे। हम यहाँ से उसी दिन रवाना हो जाएंगे और अपनी अपनी ड्यूटी संभालेंगे सब। सर जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं देगी सरकार, हम यहीं बैठे रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और चाहे कुछ भी हो जाए, जिस दिन ये आदेश आ गए बोर्ड से कि भाई इनको ज्वाइनिंग दी जा रही है आज से, तो आप वहाँ से हट सकते हैं, उसी दिन उसी क्षण हम यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे मरते दम तक, अनिश्चित काल तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सर हम 17 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं धरने स्थल पर और हम अनिश्चित काल के लिए, चाहे हम कितना भी परेशान हो जाए, चाहे मरते दम तक हमारी जो हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे सरकार से। सर हम एक बार आचार संहिता से गुजर चुके और हमें डर है कि कहीं दूसरी ओर ना लग जाए, इससे हम सरकार से चाहते हैं कि हमें आचार संहिता लगने से पहले ज्वाइनिंग दे, नहीं तो वो भी आचार संहिता की जैसे ही लटकने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनको भी हमारी तरह ऐसे ही जूझना पड़ेगा। हमारा 17वां दिन है लेकिन हम फिजिकली मेंटली सारे तरीके से हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं बचा। रोज़ हम घर वालों से पैसा मांगते हैं आने के लिए, घर वाले भी हमारे पर दबाव डालते हैं कि हमने तो सोचा था कि तुम्हारी जॉब लग गई अब तुम हमें पैसे दोगे और हमें मांग कर यहाँ आना पड़ रहा है। तो घर वाले भी हमें ये बोलते हैं कि तुम डेली हमें, जैसे हमको सरकार मीठी गोलियाँ दे रही है तो हम घर वाले भी हम पे सरकार के द्वारा जैसे वो दे रही है तो हमारे पे ब्लेम लगाने लगे कि तुम भी हमको घर आकर मीठी गोलियाँ दे दो, क्योंकि शाम को जाते हैं वो डेली पूछते हैं आज क्या हुआ, हम क्या जाकर बोले। सरकार हमको कुछ आश्वासन कुछ बोले, हमको लिखित में देता भी तो बोले सरकार आश्वासन देती है, वो जाकर हम बता देते हैं तो वो बोलते हैं सरकार तुम्हारा कुछ नहीं कर रही और तुम भी ऐसे फालतू ही जाके आ जाते हो, तुमने इतने दिनों से तो पढ़ाई पैसे खर्च कर दिए, 4-5 सालों से पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, आज भी तुम पैसे खर्च ही कर रहे हो। अब तो सर हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, मतलब हम कट ऑफ में रह जाते तो हम वो 2 दिन का प्रेशर था हम सबकी सहन कर लेते, लेकिन हम इतने परेशान हो के एक इंसान है सर, इनकी मेमोरी भी सहन सकती मतलब माइंड है ये सर कितना सहन सकती करे, क्योंकि लोग बाग हमको कोई नहीं जीने दे रहा, सब पूछ पूछ के बाहर ही नहीं निकलने देते। हम इतने परेशान हो गए, सरकार से हम यही कहते कि हम आचार संहिता लगने से पहले हमको स्कूलों में पहुँचा दे, क्योंकि हम इतने परेशान हो गए। हम एक टीचर है तो हम टीचर की मतलब नियमों का पालन करके शांत बैठे हैं, प्यार से जाते हैं सरकार जैसे बोलती वापस आ जाते हैं, चलो करेगी, लेकिन एक ये भी लिमिट होती है, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी लिमिट तोड़ना जानते हैं, हम इंसान हैं, फिर हम हमारे तरीके से काम लेंगे, हमारा हक तो लेकर रहेंगे, चाहे हम मरना ही पड़ जाए, हमारी इतनी मेहनत थी उसको तो बेकार नहीं जाने देंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले इस चीज़ के लिए, चाहे हम यहीं शहीद होना पड़ जाए। एक सरकार से यही निवेदन कि हमको जल्दी से स्कूल अलॉट कर दें। काफ़ी दिनों से शहीद स्मारक पर हम धरना दे रहे हैं, सरकार से बहुत उम्मीद थी, वो उम्मीद टूटती हुई सी नज़र आई कई बार, अभी भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि हम तक जब तक हमारा प्रोसेस चालू नहीं होगा हम किस बात को माने। तो सरकार से हम हाथ जोड़ के ये गुजारिश करते हैं कि इन बच्चों ये बहुत ही जो भी हम मेरे साथी सब बैठे हुए हैं, मैं खुद हूँ, हम आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं और सरकार हमें हमारा हक दे के जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का निवारण करे और हमें अपने उचित स्थान पर पहुंचाए। मैं 1-2 लाइनें कहना चाहूँगा, कमाल की रीट थी जिसने ज़िंदगी तबाह कर दी, कमाल की रीट थी जिसने ज़िंदगी तबाह कर दी, ये और बात है कि दिल आज भी उससे खपा नहीं, दिल आज भी उससे खपा नहीं।